अध्यापक संघ झिरनिया द्वारा आज विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सभी प्रकार के लंबित एरियर राशि का भुगतान करने के संबंध में शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया। चार मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सातवें वेतनमान की दो एरियर किस्तों का अविलंब भुगतान करें। शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार दो वेतन वृद्धियों का 50% राशि का एरियर राशि का भुगतान करें। सातवें वेतनमान की अंतर राशि का एरियर का भुगतान करें। इन सभी मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। झिरनिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। क्या मांग थी आपकी? हमारी चार प्रमुख मांगे हैं। अध्यापक स्वर को सातवें वेतन का एरियर अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जबकि संपूर्ण जिले में कर दिया गया है। डीए का भुगतान नहीं हुआ है, एचआर का भुगतान नहीं हुआ है। बहुत सारी दो तीन लंबित मांगे थी, उस संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है और 7 दिवस का समय दिया है। अगर 7 दिवस मांगों का निराकरण नहीं होता तो हम धरना प्रदर्शन या उग्र आंदोलन का आज उनको बता दिया गया है और जिला स्तर पर हम इसकी अब आगामी रणनीति बनाएंगे। क्या नाम है? मोहन ठाकुर, पांचवा साल ब्लॉक अध्यक्ष जिले। वो काफ़ी मिल गए हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।